अमूमन ज्यादातर लोग सोया चंक से पुलाव या सब्जी बनाते हैं, तो अगर आप भी सोया चंक पुलाव और सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार ये सोया चिली की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। यकीनन आपको ये चटपटी डिश बहुत पसंद आएगी और आप इसे घर पर ही रेस्टोरेंट से बढ़िया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि सोया चंक्स को बॉईल करेंगे। तो इसके लिए किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे। जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगी हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड किया है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया चंक्स। और यहाँ पर लगभग 1.5 कप के करीब मैंने सोया चंक्स लिए हैं, इसे भी ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल होने देंगे, जिससे कि जो सोया चंक्स है वो अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसे ही इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। और जब तक कि सोया चंक्स बॉईल हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे कि जो हमने वेजिटेबल्स चॉप करनी है उसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, प्याज, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने जो शिमला मिर्च ली है वो ग्रीन वाली यूज़ की है, अगर आपके पास येलो और रेड वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी 1 शिमला मिर्च यूज़ की है, अगर आप रेड और येलो वाली भी डाल रहे हो तो आधी आधी शिमला मिर्च तीनों ऐड करिएगा। और अभी क्या करेंगे कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे। सोया चिली में थोड़ा सा बड़े टुकड़े ही अच्छे लगते हैं वेजिटेबल्स के। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम शिमला मिर्च को चॉप कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। तो प्याज को मैंने क्या किया है कि इसके थोड़ा सा बड़े पेटल्स ही मुझे रखने थे, तो मैंने बस इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अब क्या करेंगे कि इसमें से जितने भी बड़े पेटल्स निकलेंगे वो निकालेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे पेटल्स मैं इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो जो बाकी बचा हुआ वो प्याज है उसे आप बाद में सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने बड़े पेटल्स प्याज से निकल रहे हैं उतने ही मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि सारे प्याज के जो पेटल्स हैं उन्हें निकाल कर अलग कर लेंगे। और अगर आप बड़े साइज़ का प्याज यूज़ कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि पहले उसे हाफ पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद इसे 4 या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे जो सोया चंक्स हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो अभी क्या करेंगे कि इन्हें छान लेंगे और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धुलकर छलनी में रख देंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। और तब तक जो बाकी की बची हुई वेजिटेबल्स हैं उन्हें भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, इन्हें भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप जो भी सब्जियाँ चॉप कर रहे हो जैसे कि प्याज या शिमला मिर्च, उन्हें आप इवन शेप में इवन साइज़ में चॉप करिएगा। इससे क्या होगा कि सब्जियाँ जो हैं बराबर से कुक होंगी, साथ ही दिखने में ये अच्छी दिखेंगी। और यहाँ पर मैं चॉप कर रही हूँ 1.5 इंच के करीब अदरक, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च हैं उन्हें भी मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी सारी कटिंग और चॉपिंग जो है वो पूरी हो गई है, सारी सब्जियाँ जो हैं चॉप हो गई हैं। तो अभी क्या करेंगे कि बाकी की सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। अभी सारी सब्जियों को रखेंगे साइड में और उसके बाद जो हमने सोया चंक्स भिगो कर रखे थे ना उसे क्या करेंगे कि ऐसे हाथ से निचोड़ते हुए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे निकाल देंगे। तो इस तरह से सोया चंक्स जो है फ्लेवर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर इसमें पहले से ही पानी होगा ना तो ये फ्लेवर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और जब भी आप इसे खाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है अंदर से फीका फीका सा लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसे ऐसे हाथ से निचोड़ कर निकाल लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके बाद इसमें बाकी की भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है। तो नमक अभी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने सोया चंक्स को उबालते वक्त भी नमक ऐड किया था और अभी बाद में जो सॉस बनाएंगे उसमें भी नमक ऐड ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब रेड चिली सॉस ऐड किया है। अब क्या करेंगे कि पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही सारी चीज़ बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी, एक अच्छी सी कोटिंग जो है सोया चंक्स के ऊपर हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे कि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो ऐसे 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर रही हूँ, एक बार में बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। पहले मैंने 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है कि सोया चंक्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर की बढ़िया सी कोटिंग करनी है जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ।
तो 2 चम्मच मैंने पहले ऐड किया था और बाद में 1 और चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो ऐसे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 3 से 4 चम्मच जो है पर्याप्त होंगे इसके लिए। 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर में अच्छी सी कोटिंग जो है सोया चंक्स के ऊपर हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया सी कोटिंग जो है हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया है जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं और अच्छे से ड्राई हो। तो क्या होगा ना कि फ्राई करते समय इन्हें फ्राई करने में आसानी होगी, आपस में चिपकेंगे नहीं, अच्छे से फ्राई होंगे और बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया सी कॉर्नफ्लोर की कोटिंग जो है सोया चंक्स के ऊपर हो गई है। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर ऐसे 3 से 4 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल दीजिए और उसके बाद उसमें एक एक करके सारे सोया चंक्स ऐड कर दीजिए और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो सोया चंक्स फ्राई करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि तेल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए। एकदम हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे और जैसे ही तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारे सोया चंक्स जो है इसमें ऐड कर देंगे। अभी क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम पहले सारे सोया चंक्स इसमें ऐड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे ही हम इन्हें तेल में डालेंगे इनके ऊपर अच्छी सी लेयर बन जाएगी और ये आपस में चिपकेंगे नहीं, एकदम अलग अलग रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम एक एक करके सोया चंक्स तेल में ऐड करेंगे। और जब सारे सोया चंक्स जो है कढ़ाई में ऐड हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि इन्हें लगभग 30 से 40 सेकंड तक ऐसे ही हाई फ्लेम पर तेल में पड़े रहने देंगे। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर बढ़िया सी लेयर हो जाएगी ना, तो आपस में चिपकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो एकदम अलग अलग बनेंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इनके ऊपर की जो लेयर है वो भी नहीं हटेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जैसे ही अच्छे से फ्राई होने लग जाएंगे गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक या जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऐसे इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे जिससे कि ये सारे साइड से बढ़िया से सिक जाए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोया चंक्स जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब क्या करेंगे कि फटाफट से इन्हें तेल से छान कर निकाल लेंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दें जिससे कि ये ओवर कुक ना हो या फिर जले नहीं। तो इस तरीके से हम इन्हें अच्छे से तेल से निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका सॉस बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कढ़ाई से बाकी तेल छान लेंगे और 2 से 3 चम्मच तेल जो है कढ़ाई में रहने देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होगा इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे और इसे 20 से 30 सेकंड तक हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करना है। तो ऐसे इसे चलाते हुए 20 से 30 सेकंड पकाएंगे और जैसे ही थोड़ा सा कुक होने लग जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च, साथ ही जो हमने हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब क्या करेंगे कि इसे अच्छे से चलाते हुए 30 से 40 सेकंड तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इन्हें क्रंची ही रहने देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अभी इसे क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 20 सेकंड तक और भूनेंगे। और फटाफट से हम क्या करेंगे कि इसमें सॉसेस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो सॉसेस में मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऐड किया है 1 चम्मच के करीब ग्रीन चिली सॉस, साथ ही 1 चम्मच के करीब रेड चिली सॉस, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड किया है, 1 चम्मच के करीब सेजवान चटनी और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऐड किया है टोमेटो केचप। अब क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था तो चिली सॉसेस की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी थी, आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें यहाँ पर ऐड किया है कॉर्नफ्लोर स्लरी। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1/2 कप पानी में घोल कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे, इसे इसमें ऐड करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देंगे सोया चंक्स जो हमने फ्राई करके रखे थे और अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे जिससे कि सॉस का फ्लेवर जो है वो सोया चंक्स के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसे इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। अब यहाँ पर अगर आपको ग्रेवी वाले सोया चिली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा और इसे पकाकर तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे कि 1 चम्मच के करीब विनेगर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए।
और यहाँ पर हमारी सोया चिली जो है बनकर तैयार है। लास्ट में हम इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, इससे क्या होता है कि ये दिखने में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पर हमारे सोया चिली जो है बनकर तैयार है, हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के अपडेट आपको मिलते रहें।